महापुराण की दो बातें अपने जीवन में उतार कर रख लो बस। देवाधिदेव महादेव के जो महापुराण की दो बातें जिसने अपनी जिंदगी में उतार ली उसको शंकर के दर्शन होते ही हैं। जो शिव की शिवपुराण की दो बातों को अपने भीतर उतार ले, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का सम्मान, ये दो चीजें शिव महापुराण में है। शिव महापुराण के अंतर्गत दो बातें हमको बार बार दर्शाई जाती है, पहले नंबर पर है भगवान शिव का नाम और दूसरे नंबर पर है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का जाप करना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का मंत्र जाप आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण आपने प्रारंभ कर दिया और दूसरे को आदर देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सत्कार देना प्रारंभ कर दिया, तो ये मानकर चलो कि शिव को मिलने में देरी नहीं लगी। आज दुनिया के लोग भगवान शंकर का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान राम का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते तो हैं, भगवान के नाम में डूबे भी रहते हैं, पर वो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते। अपने भीतर ये बात को उतार कर रख लो कि हमको दो चीजें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का नाम, दूसरा है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना, दूसरे के आदर में डूबे रहना, दूसरे के सत्कार में डूबे रहना। और जब तक आप किसी को आदर नहीं दोगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी एक बात कह रही थी, आप लोगों के बीच में बैठकर ही हम भी शिव महापुराण की कथा सुनते थे, आप लोगों के बीच में ही जैसे आप आते हो वैसे हम भी कथा को सुनने के लिए आते हैं, हम भी कथा को सुनने के लिए एक स्थान ढूंढते और बैठ जाते हैं और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते, भगवान का भजन करते, स्मरण करते। एक बात हमने पहले भी कही आज फिर कहते हैं, शिव कथा को सुनने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान शिव कथा सुनने वाले को ढूंढते हैं। बोलबम का नारा है, आपको नहीं ढूंढना है, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको ढूंढेगा, मेरा शंभु आपको ढूंढेगा, मेरा शंकर आपको ढूंढेगा। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है? मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे क्रुद्ध की जीजी और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती, शिव भक्त की निशानी है मौन शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द ना कहना और दूसरे का आदर करते रहना, ये शंकर के भक्त की निशानी है।
जो भी माताएं बहने प्रदोष काल का व्रत करते हैं उनके घर में धन संपदा और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। जो माताएं बहने प्रदोष काल के व्रत नहीं करते हैं उनके लिए गुरु जी ने यह उपाय बताए। प्रदोष काल में अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक घी या मीठे तेल या सरसों का तेल से अवश्य जला, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव नंदी के साथ भ्रमण करने के निकलते हैं और माता लक्ष्मी भी। अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय में दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके द्वार पर से घूम जाती है। अगर आप घी का दीपक या तेल का दीपक या मीठे तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी सीधे उनके घर में प्रवेश कर जाती है और धन संपदा की कमी नहीं होने देती।